धड़ धड़ भागने वाली रेलगाड़ी उस इलाके के नजदीक पहुंचते ही थर थर कांपने लगती है। उस गांव के मील पत्थर को देखते ही घबराने लगते हैं। दक्षिण भारत की गुनाहों की राजधानी, द क्राइम कैपिटल ऑफ साउथ इंडिया, स्टुअर्टपुरम। हेलो दोस्तों, नमस्कार गाइस। तो फाइनली आइए जानते हैं इंडियन सिनेमा हाल के इसी मच अवेंटेड व न्यू अपकमिंग मूवी टाइगर नागेश्वरा राव के बारे में, जिस मूवी से जुड़ी बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस न्यू अपकमिंग मूवी में साउथ सिनेमा के माने जाने सुपर स्टार व पावर स्टार रवि तेजा सर मेन एक्टर के रोल को लीड करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो मूवी रिलीज होने से पहले ही सोशल मीडिया पर जोर शोर के साथ सुर्खियों में चर्चा के विषय पर बनी हुई है। तो दोस्तों, आज के दिन इसी न्यू अपकमिंग मूवी के फर्स्ट लुक पोस्टर को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिस मूवी को इंडियन सिनेमा हॉल के माने जाने डायरेक्टर वामसी के निर्देशन में बनाया जा रहा है। और वहीं बात करें इस न्यू अपकमिंग मूवी में फीमेल एक्ट्रेस के रोल को लीड करने वाली एक्ट्रेस की, तो नुपुर सेनन और गायत्री भरद्वाज जैसी दिग्गज सितारा नजर आने वाली हैं। और वहीं साइड रोल को लीड करने वाले विलन की बात करें तो शायद इसी मूवी में जॉनी ब्राहम और कार्थी सर को विलन के धासु लुक में दिखाया जाने वाला है। तो दोस्तों, इसी न्यू अपकमिंग मूवी के मेकर्स लोग आए दिन इसी मूवी से जुड़ी कोई ना कोई लेटेस्ट अपडेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते रहते हैं। जिस मूवी में बड़े बड़े एक्टरों के स्टार कास्टिंग की प्रक्रिया जारी है, और आज खबर निकल कर ये सामने आ रही है कि इसी मूवी के धासु लुक फर्स्ट पोस्टर को आउट कर दिया गया है। जिस न्यू अपकमिंग मूवी में बहुत ही धासु लुक में नजर आ रहे हैं साउथ सिनेमा के सुपर स्टार व पावर स्टार रवि तेजा सर, जिस लुक को इनके फैंस के द्वारा बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है। रवि तेजा सर टाइगर की तरह इसी फर्स्ट लुक पोस्टर में दिख रहे हैं। इनकी आंखों में रोब है और चेहरे पर गुस्सा। मेकर्स ने रवि तेजा को इंडियन बिगेस्ट थिप बताया है। जी हाँ दोस्तों, जिस न्यू अपकमिंग मूवी के कहानी के बारे में बात करें तो वामसी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म एक पीरियड फिल्म होने वाली है, जो एक चोर टाइगर नागेश्वरा राय के लाइफ पर आधारित कहानी है, जिस कहानी को 1970 के दशक से लिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इसी फिल्म के टीजर को बॉलीवुड एक्टर जॉनी ब्राहम ने अपनी आवाज से सजाया है। हाल ही में फिल्म के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ने इस पर वीडियो के कुछ क्लिप को शेयर किया था। वीडियो में जॉनी ब्राहम के टीजर का वॉइस ओवर करते हुए दिखाया गया है। जो मूवी एक नई कहानी पर आधारित होने वाली मूवी है, और इसमें एक बहुत बड़े चोर के स्टोरी को दिखाया गया है। जिस मूवी में आपको काफी ज्यादा एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर व विजुअल इफेक्ट जैसे सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। और अगर वहीं बात करें इस न्यू अपकमिंग मूवी के बजट के बारे में, तो इसे बहुत हाई बजट के साथ बनाया जा रहा है, जो कि पैन इंडिया लेवल की मूवी होने वाली है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इसी न्यू अपकमिंग मूवी के कंफर्म रिलीज डेट की, तो यह मूवी आपको आने वाले 20 अक्टूबर यानी दशहरा के दिन इंडियन सिनेमा हॉल के बॉक्स ऑफिस पर जोर शोर के साथ धमाल मचाती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, इस फिल्म को लेकर के आपके मन में क्या विचार है, अपना राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।